दोस्तों आज हम लोग खड़े हैं श्री झरिया धनबाद गौशाला, नाम भी सुना होगा, कभी दर्शन करने का मौका आप लोग को नहीं मिला होगा। आइए चलते हैं झरिया गौशाला में किन किन गायों को पाला जाता है और उनका क्या विधि व्यवस्था है पालने का और उसके पीछे क्या कारण है। अगर गाय दूध देती है तो उसका क्या व्यवस्था है और जो नहीं देती है या बूढ़ी हो गई है तो उसके लिए क्या अलग से व्यवस्था रखा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि गायों को पालना हिंदू धर्म में सबसे पुण्य का काम माना जाता है और इस काम के लिए 99% मारवाड़ी समाज के लोग सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं और उन्हीं के द्वारा लगभग ये सारा चीज जो है संचालित भी होता है। दीपक कुमार सिंह, आप गायों के लिए जैसे सवेरे का जो व्यवस्था होता है उनको क्या क्या भोजन कराते हैं? सुबह में कुट्टी, हरा चारा और चोकर की व्यवस्था रहते हैं। ये सभी गाय के लिए या सब ग्रेड अलग अलग? नहीं, सभी गाय के लिए। जो दूध देती है उसके लिए भी है, जो नहीं देती है? सुबह में वो उसके लिए 3:30 बजे सुबह में दाना चलता है। हाँ, और इसके लिए हम लोग 12 बजे के लगभग में 11:30 बजे गाय खोल देते हैं। गाय खोल देते हैं क्या ये? अच्छा, गौशाला में ही सारा चौकर कुट्टी लगा देते हैं तो 11:30 बजे छोड़ते हैं दोपहर को, तो सवेरे ये लोग का कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, सवेरे नहीं, उसी टाइम लगता है, फिर शाम को अभी लगेगा 5 बजे। यानी कि इनको जो है दो टाइम दिया जाता है, जो बूढ़ी गाय है और जो दूध नहीं देती है, और जो दूध देती है उसके लिए 3 टाइम है? नहीं, 2 टाइम उसका भी है, टाइम अलग अलग है लेबर के चलते में, सुबह काम इन लोग सुबह आ नहीं पाएगी जिसके कारण टाइमिंग थोड़ा सा लेट होता है। अभी इस गौशाला में जो है जो परमानेंट मेंबर है जो हमेशा दान पुण्य करते रहते हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी अभी 60 की संख्या है। वो लोग कंटिन्यू दान देते हैं? कंटिन्यू दान देते हैं, वो लोग दान का एरिया बाय एरिया चंदा भी लाते हैं, सबका एरिया बाय एरिया बांटा हुआ है, चंदा भी लाते हैं। गौशाला का पूरा मेंटेनेंस हो जाता है या घटता है? घटता है, ये लोग फिर अपने निजी से भी करके करते हैं, मैनेज करते हैं, मांगते भी हैं लोग समाज से मांगते भी हैं, अच्छी बात है। तो लावारिस गाय आज की डेट में आए दिन एक्सीडेंट होता है रोड पे, अगर वो डेथ हो गया तो उसको कोई देखने वाला नहीं जब तक कि प्रशासन की नज़र ना पड़े, आम जनता लोग को कोई मतलब भी नहीं रहता है उन्हें, यहाँ तक भी भाई गौशाला की व्यवस्था है, आप आकर के यहाँ पे उसको दे सकते हैं ताकि उसका देख रेख हो पाए, बुढ़ापा तक जो है वो आजीवन सही ढंग से रह पाए, ये व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, ये व्यवस्था करनी चाहिए, हर आम नागरिक का एक फर्ज भी बनता है। एक विशेष व्यवस्था भी रखी गई है कि सांड का भी व्यवस्था है, गाय का भी व्यवस्था है, अगर जो बाछी यहाँ पैदा होता है उस बाछी को तैयार किया जाता है, उन्हें गाय बनाया जाता है ताकि वो दूध दे सके और उस दूध का सप्लाई हो ताकि हम इस गौशाला का मेंटेनेंस कर पाएँ सही ढंग से। तरीका अच्छा है और 90% लोग जो है बाछी दान में नहीं देता है, इस ज़्यादातर बाछा ही दान में आता है, लेकिन ये लोग बाछा को भी जो है अपग्रेड करके जो है उसको सांड की तैयारी करते हैं ताकि बाछी से और बाछी जो है बनाया जा सके और दूध का उपार्जन किया जा सके। यहाँ पे जो आप खुला मैदान देख रहे हैं, कैमरा उधर घुमा लीजिए, यहाँ पे जो आप ये खुला मैदान देख रहे हैं ये कम्प्लीट उस गाय के लिए है जो लावारिस गाय आकर के यहाँ पे रुकता है, वो लोग यहाँ पे शेड पे खुले ही रहते हैं, इन लोगों को आसानी रहता है घूमने में, फिरने में, चरने में, इन लोगों को हर तरह का सुविधा दिया गया है ताकि वो खा सके, पानी पी सके और चर सके। गौशाला में एक व्यवस्था और है, वो है कंडा बना, यानी कि उपला जिसको बोलते हैं,
जिसकी वजह से घर का चूल्हा भी जलता है। यहाँ पे एक मुक्ति धाम भी है जहाँ पे कुछ भाई लोग को जहाँ लकड़ी और कांधे की जरूरत पड़ती है तो यहाँ से ले जा भी सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि गाय का गोबर से हम कांधा भी बनाते हैं, इसको हम लोग सेल भी करते हैं, तो गौशाला का आर्थिक जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो मदद है, वो पूरा होते रहता है। और अच्छे खासे लोग जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है, इस काम को पूरा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि कांधा बनता कैसे। अच्छा, दाह संस्कार में भाई लोग कंधे का भी इस्तेमाल करते हैं। वो लोग बहुत जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो सोचते हैं कि कंधा बहुत महंगा होगा है और उसको अफोर्ड नहीं करेंगे, तो उससे अच्छा वो लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आपका इस कंधे के बारे में आपका क्या कहना है दाह संस्कार के मामले में? ये एक तरह के स्वस्थ है, इसमें ज़्यादा प्रदूषित नहीं रहता है और ये एक बहुत ही कम अमाउंट की तरह जो कमजोर वर्ग के लोग भी इसको ले सकते हैं। सेम इसमें भी वही पैसा है। और समय कितना लगता है इसमें और लकड़ी? समय उससे आधा अधिक का समय का, उसमें अगर 3 घंटा लग रहा है तो इसे 1.5 से 2 घंटा में लगभग दाह संस्कार पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये जानकारी का अभाव है और साथ में आदमी को ये लगता है कि भाई दाह संस्कार में अच्छा खासा पता नहीं गोबर के गोइठा से यानी कि उपला से ये दाह संस्कार सही ढंग से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन इनका अनुभव है और ये बताते हैं कि नहीं, ये जो है लकड़ी की तुलना में आधा समय में ही वो क्रिया जो है पूरा हो जाता है और समय का तो बचत होता ही है और साथ में पैसा भी लगभग उतना ही खर्च होता है जितना आप लकड़ी में खर्च करते हैं, तो प्रदूषण भी कम है क्योंकि गोइठा गोबर जो है हमेशा जो है इको फ्रेंडली रहा है शुरू से, इसलिए और चूँकि वो भी गाय का गोबर है तो ये किसी भी ढंग से नुकसान हमारे परिवेश को, हमारे वातावरण को कम करता है और पेड़ पौधा भी नहीं के बराबर कटेगा। नहीं तो दाह संस्कार के लिए भी हम लोग जंगल का ही लकड़ी काटेंगे, जंगल का ही नाश करेंगे, उससे अच्छा है कि हम लोग गाय का उपले का ही प्रयोग करें। गौशाला का 4 स्तंभ है जिसके बल पे गौशाला टिका हुआ है, खड़ा है और मैनेजमेंट कर्ता को उससे जान बचता है और सुविधा भी होता है। पहला है डेयरी यानी कि दूध उत्पादन, जिसके कारण दूध की वजह से गौशाला को धन अर्जित होता है। दूसरा होता है गाय के गोबर से बना हुआ उपला जिसको हम लोग बोलते हैं गौ डस्ट बोलते हैं गौ कास्ट, वो है दूसरा। और तीसरा है गाय के गोबर से जो गोबर बच गया या सड़ गया एकदम शुद्ध प्योर देसी उर्वरक खाद बनता है जो आपकी खेतों के लिए और आपके पेड़ पौधों के लिए और आपके खुद के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। और चौथा जो है व्यावसायिक वर्ग से लेकर के आम जनता जो है जो भी सेवा देते हैं उस सेवा के तहत जो है गौशाला का रूपरेखा जो है चलते रहता है, यानी कि गौशाला लगातार इसी विधि से आगे बढ़ता है। मैं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ, नमस्कार।